चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं, या फिर हम अपनी इंस्टा आईडी उसमें डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंस्टा आईडी पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा पेज है सोशल चुगली के नाम से, आप वहाँ पर भी जाकर मैसेज में मैसेज छोड़ सकते हैं। जिस भी प्रकार की परेशानी आपको हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ जाएंगे, शेयर टुगेदर आ जाएंगे, हम लाइव टुगेदर आएंगे और सामने जनता के सामने बैठकर बात कर लेंगे। भी प्रकार की परेशानी को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें लगती हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, दूसरा पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उस बात को किसी से शेयर करें। हो सकता है आपको किसी से उस बात को शेयर करने में संकोच हो रहा हो, ये प्लेटफॉर्म आपको वो आज़ादी देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर बिना अपनी पहचान बताए उस बात को शेयर कर सकते हैं मेरे द्वारा, या फिर आप मैसेज में मुझे लिख देंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, दोनों आपस में बात कर लेंगे। यदि आप लाइव नहीं आना चाहते तो मैं लाइव आपके उस क्वेश्चन को जनता के सामने रख दूंगा, हम उसके ऊपर सजेशंस ले लेंगे, लोग कमेंट देंगे और उस कमेंट्स में हो सकता है आपकी उस परेशानी का कोई हल निकल आए। तो दोस्तों यह प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने ईजाद किया है लोगों की परेशानियों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर अपनी बात यहाँ पर कह सकें और अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकें। आप देख ही रहे होंगे मेरे थंबनेल में, ये इंसान अपनी ही बनाई हुई, पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग खुद परसेप्शन बना लेते हैं, खुद उन चीज़ों को सोच लेते हैं, शायद वैसा होता नहीं है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, वैसा सही नहीं होता है दोस्तों। आपको किसी दूसरे के नज़रिए से भी उसको देखने की ज़रूरत होती है, आपको सोचना चाहिए कि यदि आप किसी चीज़ में फंस हैं तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ में हमारे माँ बाप। यदि आप अपने माँ बाप से उस बात को शेयर करेंगे, आप अपने माँ बाप को ये बताएंगे कि आप उस परेशानी में हैं, वो ही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपकी लाइफ में, वो ही आपको सही राह दिखाएंगे, वही आपको बताएंगे कि आपको सच में किस चीज़ की ज़रूरत। हो सकता है आप कभी अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हों, पढ़ाई में आपके अच्छे मार्क्स ना आ रहे हों, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, आप ट्यूशन जा रहे हों या फिर क्लासेस पढ़ रहे हों तो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप अपने माँ बाप से कहिए। अगर आप अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, आप डर रहे हैं, तो आप फ्रेंड्स से फैमिली सर्कल से कह सकते हैं, और नहीं तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, आपकी बात हम पहुँचा देंगे। दूसरी तरह की परेशानी हम गिनते हैं कि आप किसी नौकरी में परेशान हैं, पर आपको नीड इतनी ज़्यादा है कि आप वो नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो हम उस चीज़ का भी सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। आपको नौकरी चेंज करनी है पर आपको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, आप एक दिन भी मतलब उस जगह जाने से चूक नहीं सकते, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर आपकी नौकरी की परेशानी को हल कर सकते हैं। लोगों के साथ जुड़ के हम आपके रिज्यूमे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हर तरह की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, वो बड़ा नुकसान, वो बड़ी क्षति आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम कभी भी आपके दिमाग पर हावी होकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों, तो उस नुकसान से बचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने परेशानी को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आप कमेंट करेंगे तो भी हम यहीं पर आपको उत्तर देंगे, थोड़ी देर बाद आपका रिप्लाई कर देंगे, परंतु हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, किसी भी तरह से उस प्रॉब्लम का निजात हम निकालेंगे। यदि आप किसी मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ से भी परेशान हैं तो भी हम कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कोई हमारे सब्सक्राइबर मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हों, कोई हमारे सब्सक्राइबर फिज़िकल हेल्थ के ऊपर काम करते हों, तो आपको मदद मिल सकती है। तो सॉरी आई थिंक नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो रिकनेक्टिंग हुआ, तो मैं भी